मैं हूं आयुष्मा और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। बिग बॉस 11 के घर से फेमस हुआ सेलिब्रिटी कपल पुनीश शर्मा और बंदगी कालरा का अफेयर अब शो से बाहर आने के बाद परवान चढ़ रहा है। दोनों हाल ही में हॉलिडे मनाकर वापस लौटे हैं। खबर आ रही थी कि दोनों साथ रह रहे हैं और इस वजह से बंदगी के मकान मालिक ने उन्हें घर खाली करने के लिए कह दिया है। एक लीडिंग वेबसाइट की खबर के मुताबिक पुनीश ने उनसे बात करते हुए कहा कि ये सब बकवास है। वो होटल में रह रहे हैं और बंदगी घाट कोपर से अंधेरी शिफ्ट हुई है क्योंकि वहां से उनका वर्क प्लेस पास पड़ता है। हम लिव इन में नहीं रह रहे थे। मैं दिल्ली से मुंबई आता रहता हूं और मैं होटल में रह रहा हूं। आपको बता दें कि शो के दौरान भी ऐसी खबरें आई थी कि जिस घर में बंदगी रह रही थी उस वक्त उन्हें मकान मालिक ने घर खाली करने को कह दिया था, लेकिन बाद में बंदगी ने इन खबरों का खंडन किया था। हाल ही में बंदगी कालरा को बोल्ड तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर करना महंगा पड़ा है। उनकी तस्वीर पर लोग भद्दे कमेंट्स कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर बंदगी की ये तस्वीर वायरल हो रही है। किसी को वो काफी खूबसूरत लगी है, लेकिन आलोचकों की भी कमी नहीं है। कुछ यूजर्स ने तो बंदगी को गंदी चुड़ैल तक कह डाला। किसी ने लिखा है कि पुरानी तस्वीर डालकर फैंस को बेवकूफ मत बनाओ, तो वहीं एक ने लिखा है कि तुम्हारे फॉलोअर्स फेक हैं। कुछ फैंस ने उन्हें पुनीश से जल्द शादी करने को कहा है। वैसे ये पहली बार नहीं है कि बंदगी कालरा ने अपनी बोल्ड तस्वीरें शेयर की हों। इससे पहले भी फैंस उन्हें बोल्ड अवतार में देख चुके हैं। वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। पुनीश शर्मा के साथ भी अक्सर वो फोटोज डालती रहती हैं। बिग बॉस 11 में रोमांस का तड़का लगाने वाली पुनीश और बंदगी की जोड़ी फैंस को काफी पसंद आई थी। दोनों इस बार साथ में वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। बिग बॉस के बाद बंदगी कालरा को बॉलीवुड फिल्म में काम मिलने की खबरें भी लगातार चर्चा में है। रिपोर्ट्स की माने तो उन्हें एक ए लिस्टर एक्टर के साथ फिल्म मिली है। फिल्म में वो रेडियो जॉकी के रोल में नजर आएंगी। हालांकि इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टेलीविजन और बॉलीवुड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।